सो सबसे पहले वर्क का डेफिनेशन देखते हैं वॉट एग्जैक्टली इज वर्क वर्क इज डिफाइंड एज एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द मैथमेटिकल डेफिनेशन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सो लेट अस एनालाइज दिस वेरी केयरफुली व्हाट डू केयरफुलिस क्वांटिटीज मीन इफ आई हैव एनी बॉडी इफ अ फोर्स इज एक्टिंग एट वन पॉइंट ऑफ द बॉडी इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है ठीक है और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ डीएस वैक्टर होता है इन समाइम डीएसटर सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस ह्यर डी एस यू शुड बी एबल टू सी फ्रॉम द डायग्राम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इन डी टी टाइम ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड इससे इंपॉर्टेंट लेटर ऑन वील यूज दिस स्टेटमेंट टू सॉल्व लुकिंग प्रॉब्लम्स इन अ वेरी सिंपल मैनर एज लॉन्ग एज यू रिमेम्बर किन है उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका डिप्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पॉइंट में फोर्स लग रहा है तो बॉडी का ये जो पॉइंट है वो जितना मूव कर रहा है रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या कर रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने ये जो पॉइंट है वो कितना मूव करे डी टी टाइम में उसके डिस्प्लेसमेंट से वील गेट द वर्क डन दिस फोर्स ठीक है एंड देन देनोर्स ओवर सम टाइम इफ यू टू कैलकुलेट द वर्क यू हैव टू इंटीग्रेट दैट इफ द फोर्स इज अ अंस्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल सो द वर्क डन सिंपली बी एफ डॉट इंटीग्रल डीएस एंड इंटीग्रल डी नथिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट

प्रॉब्लम सोल्विंग बिकम्स वेरी लॉन्ग कि पहले फोर्स करो वैक्टर सम करो सब फोर्सेस का इंस्टेंट वर्क गिव्स अस अ वे टू सॉल्व मेनी मेनी प्रॉब्लम्स इन अ वेरी शॉर्ट और इन अ क्विकर मैनर कंपेयर टू एफिकल्ट एम है ठीक है तो इस चीज का यूज अपन देखेंगे वेन वी स्टडी इट्स रिलेशन टू द कानेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वो वेलकम टू दैट सो यहाँ पर दिस द डेफिनेशन ऑफ वर्क वी ऑल्सो सॉ की फोर्स वैक्टर अगर कॉन्स्टेंट होगा तो वर्क डन Uh, कैसे अपन लिखेंगे सो so, ये देख लो एंड uh, इस चीज के बारे में मी गिव यू कपल ऑफ एक्साम्पल्साइज दिस स्टेटमेंट मी गिव एग्जाम्पल सपोज आईव दिंज है Hinge वहां पर वो इट इज अटैच टू सम मटेरियल और सम पॉइंट विच इज एंड दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट दैट हिंच रोटेट कर सकता है रॉड तो एस द तो रॉड रोटेट दिंच तो में अप्लाई समोर्स अपने को पता नहीं हिंस क्या फोर्स लगा रहा है हिंस कुछ तो फोर्स लगाएगा नहीं तो फिर अगर कुछ फोर्स नहीं लगाएगा तो रॉड तो सीधे नीचे गिर जाएगा सोचो तो कुछ तो फोर्स लगाएगा ये अपन रोटेशनल मैकेनिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे कितना फोर्स लगाता है ये

you are climbing you are climbing up a tail again you are climbing the stairs as you climb you place one foot here and then you push off this foot your foot loses contact and you go I you go correct climbing stairs how much work is the stairs doing on you यू आर ऑब्वियसली मूविंग तुम ऊपर जा रहे हो हाउ मच वर्क इज द स्टेयर डूइंग ऑन यू जीरो बिकॉज स्टेयर का फोर्स जो है जो भी फोर्स है हो सकता है नॉर्मल फोर्स है हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर लग रहा है करेक्ट अब तुम वी आर एज्यूमिंग तुम घिस नहीं रहे हो अपन मून वॉक नहीं कर रहे स्टेयर पर यू आर जस्ट क्लाइंबिंग एंड आईस यू क्लाइंब द फुट दैट इज ऑन द स्टेयर दैट इज एन दैट बहुत स्टेशनरी है और दूसरा पैर ऊपर जा रहा है, है कि नहीं फिर मेरा लेफ्ट फुट स्टेशनरी हो जाएगा फिर राइट फुट ऊपर जाएगा करेक्ट सो एट एन एट एनी इंस्टेंट वन फुट इज इन कॉन्टैक्ट और वो फुट स्टेशनरी है फॉर दैट एंटायर ड्यूरेशन एट विच इट इज इन कॉन्टैक्ट सोचो वो घिस नहीं रहा तो बाय द टाइम द रेस्ट ऑफ द बॉडी मूव अप दिस फुट इज इन कॉन्टैक्ट एंड इट इज स्टेशनरी एंड देर फॉर द वर्क डन बाय द ऑन यू इज जीरो

जी वेक्टर्स डाउनवर्ड्स तो सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे ठीक है B, जो हाइट डिफरेंस है बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल्स एट ए एंड बी जो वर्टिकल हाइट डिफरेंस है दैट इज एच तो मैं कॉन्स्टेंट फोर्स है ना एम जी तो आई कैन डायरेक्टली राइट वर्क नंबर ग्रेविटी इज एम जी डॉट एस अब एम जी डॉट एस Displacement doesn't care about the path, correct? Displacement only cares about the initial and the final position. So, the displacement vector is a straight vector from A to B. So, this is my displacement vector. Mg is this way. Ye, suppose angle theta is, much will it? Mg into s into cos theta. But what is s cos theta? What is s cos theta? H, correct? सो दिस कम्स आउट to बी अ वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन जो अपन याद रखेंगे इट इज equal एम जी एच सो इफ अ पार्टिकल from फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज पॉइंट बी इज हाइट एच बिलो पॉइंट ए वो कैसे भी गया ऊपर घूम के गया नीचे से गया कैसे भी गया डज matter मैटर एज लॉन्ग एज द लोअर द फाइनल पॉइंट इज एच हाइट एच डेप्थ बिलो द इनिशियल पॉइंट वर्क डन gravity ग्रेविटी इज एम जी एच ठीक है एंड बाई द सेम लॉजिक अगर वो बी से ए गया whatever path. तो अभी डिस्प्लेसमेंट vector ऊपर है डिस्प्लेसमेंट vector को भी नेगेटिव हो गया ना और इस का displacement vector का है ये displacement vector करेक्ट तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा सो वर्क डन फ्रॉम b टू a by ग्रेविटी वुड बी minus एन जी एच ठीक है सो इफ द बॉडी इज बींग टेकन अप मतलब कैसे भी कोई भी पाथ कहलाओ बट इफ द बॉडी इज इवेंचुअली एंडिंग अपट अ हाइट एच अब द ओरिजिनल पोजिशन मतलब वर्क डन में ग्रेविटी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऊपर ग्रेविटी नीचे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव ठीक है वैसे याद रखो एंड कितना मैग्नीट्यूड होगा एम जी एच ओवरऑल वर्क डन भी माइनस एम जी एच एस यू गो फ्राम बॉटम टू टॉप देख लो तो ये ग्रेविटी का वर्क डन ने देखा बाद में अभी स्प्रिंग का भी वर्क डन देखेंगे फ्रिक्शन का भी वर्कडन देखेंगे सब देखेंगे बट फर्स्ट लेटस टॉक अबाउट ये वर्क के बारे में क्यों पढ़ रहे लाइक ऐसे इट इज गोट टू मेक थिंग्स ईजी फॉर एस तो पहले वेरी इंपॉर्टेंट और प्रॉबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम इन दिस चैप्टर वर्क एन एरम सो वर्क एज थियरम स्टेट्स दैट कोई भी सिस्टम पे वर्क डन बा फोर्सेस बाय ऑल नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड चेंज मतलब एनर्जी so the वो वो को चेंज करने में चला गया इसको so प्रूव भी कर लेते हैं वन डायशन में प्रूव करते हैं सिस्टम ऑफ एनी पार्टिकल्स एक पार्टिकल मास इट इज लेट से ट्रेवलिंग विथ सम इनिशियल स्पीड यू एंड उस पर कुछ कुछ फोर्स लग रहा है ठीक है सो वर्क डन द नेट वर्क डन वुड बी समेन ऑफ ऑल द फोर्सेज सो लेट मीन जस्ट राइट इट एज नेट फोर्स ठीक है नेट फोर्स का वर्क डन ये मेरा हो गया अब नेट फोर्स को मैं एम ए लिख सकता हूं ठीक है अब मैं वन डायमेंशन की बात करता हूं तो वेक्टर हटा रहा हूं सो लेट्स ए लेट्स इमेजिन की सब एक्स के एक्सक्सेस इट जा रहा है एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट सो नाउ आई कैन राइट एक्सलरेशन इज वी डी वी बाई करेक्ट तो देखो ये कितना बन जाएगा इंटीग्रल एम वी डी वी बिकॉज ए डी एस विल बिकम वी डी बी एंड नाउ यू इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी एंड देयरफॉर द नेट वर्क डन कितना आ जाएगा इंटीग्रल वी डी वी वी स्क्वाई टू

यूल राइट ए एक्स एज वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स ए वाई सेम प्रोसेस है यू विल गेट द सेम आंसर फाइनली यू विस्ट हैव टू रिमेंबर की वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्वायर एस वी स्क्र प्लस वीजेड स्क्वायर एस डो वी स्क्र तो यू इफ यू वॉन्ट यू कैन प्रूव इट ऑन यर ओन बट दिस थियरम इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम ठीक है एज लॉन्ग इज टेक द फोर्स टेक द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस राइट देख लो सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल जहाँ पे वर्क एंड थियरम को एक्चुअली अपन कंफर्म करते हैं लेट्स गो बैक टू अर फेमिलियर प्रोजेक्टाइल मोशन लेट्स थियरम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी तो एक थोड़ा प्रैक्टिस भी आ जाएगा उस वर्क इन एज थरम का एंड देन गो टू मोर कॉम्प्लीकेटेड प्रॉब्लम लेटर ऑन तो ए टू बी पहले तो वर्क डेन में ग्रेविटी कितना होगा ये अगर हाई टच है तो अभी अब वी ऑलरेडी सो कि ऊपर हाई टच जा रहे तो वर्क डन ए ग्रेविटी वुड बी माइनस एम जी एच करेक्ट है कि नहीं लेट्स कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए तो कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यू है फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा यू कॉस थीटा है कि नहीं तो कितना बन जाएगा देखो यहां पे करता हूँ

स्मॉल एच हाइट पे अगर स्पीड निकाल रहा है क्विकली राइट वर्क एनर्जी थे वर्क फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट वर्क डन में ग्रेविटी कितना हो जाएगा माइनस एम जी एच शुड बी इक्वल टू चेंज इन क्रेनेटी एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्र माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हेयर माइनस हेयर तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास आ गया वी स्क्वायर एस यू स्क्वायर माइनस टू जी एच जो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स और वाई डायरेक्शन में लिख के एड करके निकाला था प्रोजेक्टाइल मोशन में.

to displace the particle or to rotate the string uh, find the minimum work done to take the particle from a to b string length l दिया हुआ ठीक है तो उसको ऐसे घुमाना है स्ट्रिंग को अपन टॉट रख रहे हैं तो दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल

नाउ आई कैन राइट वर्क डन बाटी प्लस वर्क डन बानेटिक पार्टिकल गोज फ्राम एट करेक्ट इनिशियली तो रेस्ट पर है तो गुड कैनेटिक एनर्जी एट बी ना मुझे मिनिमम वर्क डन चाहिए तो मैं जितना वर्क डन कर जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतना ज्यादा स्पीड आएगा तो मिनिमम वर्क के लिए फाइनल स्पीड कितना होना चाहिए जीरो ना आई डोट नो क्या फोर्स लग रहा है बट आई कैन स्टिल कैलकुलेट मिनिमम वर्क यूजिंग वर्क एन एनी थिर

ट इज मिनिम वर्क दैट एन एक्सटर्नल फोर्स हैज टू डू इन ऑर्डर टू टेक द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी ना दैट इज वन ऑफ द पॉवरफुल नेचर ऑफ वर्क इन थियर की वी डू नॉट नो द नेचर ऑफ द फोर्स एंड येट वी वर एबल टू कैल्क्युलेट द वर्क बाय द फोर्स ठीक है देख लो लेट्स लुक एट अनादर एग्जाम्पल दो पार्टिकल्स है कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड यर पुलिंग द स्ट्रिंग अपोर्स एफ ठीक है इनिशियल एंगल विदर्टिकल थीटा थीटा है इनिशियली सो इनिशियली रेस्ट पर है दोनों पार्टिकल स्मूथ है सरफेस कॉन्स्टेंट फोर्स से अपन पुल करें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल्स

इंडिविजुअल पार्टिकल पे देखो तो एफिकोल्ड एम ए में मतलब पहले मेरे को टेंशन निकालना पड़ेगा टेंशन वेरिएबल होगा बिकॉज थीटा वेरिएबल है टेंशन निकालूंगा फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा एक्सेलरेशन लिखूंगा इंटीग्रेट करूंगा स्पीड निकालने को तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग वे एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज की वो वो तरीका अपने को अवॉइड करना है दूसरा तरीका है कि यू राइट द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द पार्टिकल बट दैट इज अगेन टीडीएस बिकॉज अपने को टेंशन का वर्क लिखने के लिए टेंशन निकालना पड़ेगा वो भी वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा

नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी नॉर्मल फोर्स दोनों का वर्क दोनों का वर्क इज जीरो बिकॉज दे आर बहुत परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट इज हॉर्जोंटल वी आर अज्यूमिंग दैट दिस फोर्स इज लेस दैन टू एम जी सो इट कैनॉट लिफ्ट द बॉल्स अपल बॉल्स विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड सो हॉर्जोंटल डिसप्लेसमेंट और ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स का तो वर्क डन जीरो हो गया करेक्ट डॉट प्रोडक्ट बचा टेंशन का वर्क डन जीरो बचा ये फोर्स

देख लो लेट्स लुक एट अ वेरी नाइस क्वेश्चन वंस अगेन इन्वॉल्विंग टू ऑब्जेक्ट्स तो अभी वी हैव हैव वी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे अपन दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं तो स्मूथ uh, सरफेस है इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है टोटल स्ट्रिंग लेंथ सिक्सटीन मीटर्स दिया हुआ है ये पूरा स्ट्रिंग लेंथ ये सिक्स मीटर्स है पुलिस का हाइट ब्लॉक बी का इनिशियल हाइट फाइव मीटर्स है ग्राउंड से और मुझे फाइंड द स्पीड ऑफ बी जस्ट बिफोर इट हिट्स द फ्लोर सो वंस अगे वट वी कैन डू इज वी कैन राइट वर्क एंड जी थियरम ऑन द एंटायर सिस्टम ऑफ ए एन बी अगर इंडिविजुल ब्लॉक्स पर लिखना तो वो भी लिख सकते हैं बट दट इज नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज उसमें टेंशन का वर्क डन लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल ब्लॉक्स पर टेंशन कैन डू वर्क बट टोटल वर्क डाउन में टेंशन इज जीरो जो यहाँ पे लिखा था मैंने टोटल वर्क डाउन में टेंशन इजीरो दट इज़ वाई इट इज यूजफुल टू राइट द वर्क एंड ई थियरम ऑन दी एंटायर सिस्टम तो फिर अपने को टेंशन का वर्क डाउन लिखने की जरूरत है नहीं इंडिव्यूज ब्लॉक पर लिखोगे तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा सो B नीचे आया एंड सेम मास है तो so, बिकॉज B इज एक्सलरेटिंग डाउन तो टेंशन ऑब्वियसली विल बी लेसर देन B का ग्रेविटी सो ऑफ कोर्स उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैन नॉट लिफ्ट ए वो समझ में आना चाहिए सो ए विल ओनली मूव अलॉन्ग द ग्राउंड ए नॉट गेट लिफ्टेड अप बिकॉज टेंशन इज लेसर देन एम जी सेम मास है दोनों का ठीक है तो ए विल ओनली मूव हॉरिजॉन्टली तो उस पर तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स जीरो रहेगा so, तो सिर्फ ब्लॉक बी पे ग्रेविटी वर्क करेगा तुमको हाइट पता है कितना जा रहा है मास सेम कुछ मान लो एंड देन राइट दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम ठीक है सो so, uh, इसमें बस तुमको एक थोड़ा कंस्टेंट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ ए का क्या रिलेशन होगा उसके लिए थोड़ा सा कंस्टेंट यूज करना पड़ेगा ट्राई इट आउट इट्स अ गुड क्वेश्चन देन टेक अ लुक सॉल्यूशन ओके सो सबसे पहले तो व्हेन इट कम्स डाउन ए कितना ट्रैवल करेगा वो देखते हैं वो क्यों चाहिए मुझे सो दैट आई कैन गेट द एंगल ये पूरा हाइट सिक्स हो गया टोटल so दिया हुआ ना सो बी का वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कुछ बी बी है ये वी ए है एंड ये एंगल कितना होगा टेन सिक्स एट इट्स लाइक थ्री फोर फाइव तो दिसन डिग्री करेक्ट सो कैन राइट वी ए कॉस्ट थर्टी सेवन कितने रेट पे ये स्ट्रिंग लेंथ कम हो रहा है उतने रेट पे ये बढ़ेगा सो वी ए वी बी शुड बी टू वी ए कॉस्ट थर्टी सेवन ओके सो मेरे पास ये रिलेशन आ गया वी VA ए का वैल्यू कितना आ गया फाइव वी बी बाई फोर कॉस्ट थर्टी सेवन एस फोर बाय फाइव ओल राइट नाउ आई एम रेडी टू राइट एनर्जी थ्योरम बी का मास सेम मान लेता तो, हूँ ए का भी मास सेम है तो so, कितना नीचे है फाइव मीटर्स नीचे है सो एम इंटू जी इंटू फाइव इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन बी

सपोज आई हैव ए क्वेश्चन कि मेरे पास एक वन डायमेंशनल पार्टिकल जा रहे हैं एक वेरिएबल उस पर फोर्स लग रहा है सम फोर्स एक्टिंग विच इज कॉजिंग द वेलोसिटी टू बी लाइक टू टी सपोज पार्टिकल का वेलोसिटी टू टी स्क् पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ओवर लेट से फर्स्ट फर्स्ट टू सेकेंड्स ठीक है मास उस पार्टिकल का टू के जी दिया हुआ सो दिस व व वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम अगर तुमको स्ट्राइक होता है कि वर्क एनर्जी थेरम यूज करना है इफ़ यू ट्राई टू गो टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन पहले तुम इसका डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो फिर एम ए करके फोर्स निकालो फिर इंटीग्रेट करो एफ डॉट डी एस करके तो दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग वे एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस वर्क एनर्जी थियरम इज लॉस्ट वे यहां पर जस्ट अप्लाई वर्क एनर्जी थेरम And calculate the work done try karo फटाफट so work energy theorem work done by this force is equal to change in kinetic energy so instead of calculating work we'll calculate the change in kinetic energy kyunki apne ko pata hai direct velocity diya hua hai simple initial velocity 0 t equal to 0 pe 0 and 2 seconds pe velocity kitna hai 8 meter per second correct yahan pe dekh lo ho gaya final kinetic energy half into m into 8 square वर्क डन फोर्स ठीक है डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलांग है मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पार्टिकल कुछ लेट से क्वार्टर सर्कल के अलोंग जा रहे हैं फोर्स उसको पुश करे जा रहे हैं ये सर्कुलर ट्रैक है और फोर्स उसको पुश करे जा रहे तो कोई सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग जा रहे ये रेडियस आर है तो दिस फोर्स कितना वर्क करेगा तो हमेशा फोर्स इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड बट ऑलवेज टाइनेशियल ठीक है एंड इट इज ऑलवेज अ टेंजेंशियल फोर्स बेसिकलीट फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग डीएस तो डीएस इज मतलब डिस्टेंस इसका इंटीग्रल तुमको डिस्टेंस देगा इंटीग्रल डी एस डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल। बेसिकली मॉड ऑफ मॉड ऑफ डी इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट और हर लेंथ को ऐड करके हमको क्या मिलेगा टोटल डिस्टेंस मिलेगा एंड देर अगर ये एग्जांपल अपन देखें तो इसमें वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा अगर कांस्टेंट फोर्स फोर्स कांस्टेंट है मैग्नेट्यूड है तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एस को और वो बाहर आ जाएगा फोर्स अब दिस इज द मैग्नीट्यूड टाइम्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विच वी आर लेंथ ना ठीक है सो दैट विल बी द वर्क डन बाय दिस दिस टाइप ऑफ फोर्स कैसे वर्क अपन लिखेंगे सिंपली एफ द डिस्टेंस आ जाएगा अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं ठीक है सो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फोर्स बिकॉज का डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग इवन दो मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट हो सकता है बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फोर्स वैक्टर बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग ठीक है देख लो

एक्स लगाएगा करेक्ट नाउ इफ यू डिस्प्लेस इट बाई डीएक्स तो इस डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग कितना वर्क डन बात होगा डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा हूं आई एम पुलिंग द ब्लॉक बाय डीएक्स वर्क डन द फोर्स बाय द स्प्रिंग इज इन दायरेक्शन माइनस के एक्स डीएक्स करेक्ट एफ डॉट डी एस इज एफ इंटू डी एस दोनों मैग्नेटिव इंटू कॉसिटिक And let's say I want to integrate this from natural extension. X is the extension. Zero say. Let's say some final extension. X tak mujhe integrate karna X square by 2 a na. So work done by the spring. When it gets extended. By x. Is minus half k x square. The negative sign tells us ki the force and the.

दिस इज वर्क डन फ्रॉम एक्सटेंशन एक्स टू ने बट बट कंप्रेशन कंप्रेशन भी देखते हैं बट इट बी द सेम थिंगर पहले देख लो इफ आई कंप्रेस द स्प्रिंग नो अगर मैंने इसको एक्स से कंप्रेस कर दिया एंड देन और डी एक्स से पुश कर रहा हूं मैं तो uh, इसको कंप्रेस करने में नेचुरल से X compress करने में कितना वर्क लगेगा uh, कितना वर्क करेगा स्प्रिंग एज द ब्लॉक इज गेटिंग कंप्रेस्ड

तुम ब्लॉक को कंप्रेस हो इस तरफ द स्प्रिंग पुशिंग यू अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। द वर्क द स्प्रिंग डेम ये कहां से कहां तक है दिस इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू ए कंप्रेशन एक्स ऑलराइट सो लेट्स सी की हाउ वी कैन अप्लाई दिस टू क्वेश्चंस ये ब्लॉक है स्प्रिंग कॉन्सेंट इसको कुछ स्पीड देते हैं नेचुरल लेनील मीन तो पूछा है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग नेचुरल स्पीड वी नॉट दे दिया उसको छोड़ दिया तो ऑब्वियसली वो राइट में जाएगा अल्टीमेटली ब्लॉक विल कम टू रेस्ट एट समरीली

सो so, कितना वर्क करेगा वी नो कितना वर्क करता है वेन द स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड बाई एक्स द स्प्रिंग वर्क दाइनस हाफ के एक्स वेर करेक्ट शुड बी टू चेन इन कार्डिटिक एनर्जी फाइनल कारनेटिक एनर्जी जीरो इनिशियल कारनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्ट दैट इज इट सो एक्स का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायेर बाय के द आंसर ठीक है वेरी सिंपल एप्लीकेशन देख लो लेट्स इन्वॉल्व ग्रेविटी एंड स्प्रिंग बोथ अभी थोड़ा मजा आएगा

एमजीएक्स वर्क डन बाइटी जीरो पर है, भी पर है. So, so, भी पर है. So, कितना हो गया

it will decelerate 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 eventually the velocity will become zero momentarily and then it will go back up okay. another question that can ask that they can ask is find the maximum speed of the block now this is a good question maximum speed as a question of a spring block involved maximum speed maximum. Speed, maxima derivative of zero कैलकुलस वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो मतलब क्या एक्सेलरेशन जीरो सो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉको थिंकलीज इज करेक्ट इनिशियली ग्रेविटी इज ओनली फॉर एक्टिंग तो इट विल एक्सलरेट तो उसका स्पीड बढ़ते रहेगा स्प्रिंग फोर्स स्लोली बढ़ेगा बिकॉज एक्सटेंशन बढ़ते रहेगा जब तक स्प्रिंग फोर्स इज लेसर देन ग्रेविटी तब तक एक्सलरेशन इज डाउनवर्ड तो द ब्लॉक इज एक्सलरेटिंग उसका स्पीड बढ़ते रह रहा है एट द इंस्टेंट स्प्रिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटी उसके बाद और नीचे जाएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया तो डिसलरेट करेगा तो स्पीड कम हो गया इसका मतलब द मैक्सिम स्पीड वॉज अचीव वेन द स्प्रिंग फोर्स एक्जैक्टली बिकेम इक्वल टू ग्रेविटी एंड दैट मीनस एक्सलरेशन इज जीरो मैथमेटिकली अपने निकालो आई होप यू अंडरस्टैंड फिजिकली ऑल्सो वॉट इजनिंग सो फिगर आउट एट वॉट एक्सटेंशन एड एक्सलरेशन जीरोज जस्ट लॉस ऑफ मोशन एंड देन अगेन राइट वर्क एनजी थियर

एंड एक्स नॉट का वैल्यू एम जी बाई के लेट सब्सिट्यूट दैट नहीं आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के माइनस हाफ के एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर तो एक एम कट गया सब जगह एंड दिस एक टू भी कट गया सो so, देखो वी स्क्वायर कितना आ रहा है एम जी स्क्वायर बाय के सो वी ठीक है ये मेरा आ गया दिस इज द मैक्सिमम स्पीड राइट right. इसमें ये जो अपन ने निकाला ये सब जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वी विल कम बैक टू दिस व्हेन वी स्टडी द चैप्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मच लेटर तो वहां पर वील लुक एट अनदर वे टू गेट दीज वैल्यूज एंड ऑनेस्टली अ बेटर वे अ फास्टर वे ठीक है बट स्टिल दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वट वी आर डूइंग नाउ इज इम्पोर्टेंटेंटेंटेंटेंट बिकॉज ये फाउंडेशन है आगे के चैप्टर्स का भी सेंटर ऑफ मास में रोटेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे सब जगह वर्क एन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो हाउ टू अप्लाई दिस बट वी लुक एट अ बेटर फास्टर मेथड वैन वी स्टडी सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है देखो नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी नाइस क्वेश्चन मेरे पास एक ब्लॉक है स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है इनिशियली एंड ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एच लेट से स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कुछ के है तो पहला पूछा हुआ है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ़ द स्प्रिंग इट इज ड्रॉप ड्रॉप कर दिया ब्लॉक को सेकेंड थिंग इज फाइंड द हाइट लेट से ये

ट अ क्वार्राइटिक सोल्व करने की जरूरत है जस्ट मेक दट क्वारिक इक्वेशन एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं आया तो फिर अच्छे वैल्यूज दे देंगे तो क्वार्रेटिक सोल्व करने की जरूरत है बट एटलीस्ट मेक द इक्वेशन एंड देन चेक इफ यू गॉटर इट करेक्ट ठीक है ट्राई करो ओके सो लेट से द मैक्सिमम कंप्रेशन इस लेट से एक्स ठीक है तो वहां पर वेलोसिटी कितना होगा मैक्स कंप्रेशन पे जीरो नहीं तो और नीचे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो फाइनल वेलोसिटी जीरो सो आई कैन राइट द वर्क इन थ्योरम राइट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जो आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव डन की जर्नी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया इसमें से पहले वेलोसिटी यहां पर निकाला फिर यूज दैट वेलोसिटी टू गेट द कंप्रेशन यू कैन डू दैट बट व्हाई टू डू दैट व्हेन यू कैन राइट द वर्क इन थ्योरम डायरेक्टली एंड सेव सम टाइम तो

तो मैक्सिमम स्पीड मतलब आई एम श्योर इस पार्ट में लॉट ऑफ यू वुड हैव थॉट एटलीस्ट कि जब ब्लॉक स्प्रिंग को हिट करेगा तभी मैक्सिमम स्पीड होगी क्योंकि उसके बाद तो स्प्रिंग फोर्स लगकर डिसलरेट करेगा नहीं क्योंकि नीचे ग्रेविटी भी तो लग रहा है टिल ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स ओवरऑल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज स्टिल डाउनवर्ड तो टिल द ओवरऑल फोर्स इज डाउनवर्ड द ब्लॉक इज द स्पीड विल इंक्रीज एंड देयरफॉर लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन द स्पीड विल बी एट इट्स मैक्सिमम वेन एक्सेलरेशन इज जीरो ठीक है यहां पर मैक्सिमम uh, स्पीड नहीं होगा इससे जैसे ही हिट करता है स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा करेक्ट बट ग्रेविटी इज स्टिल ग्रेटर देन स्प्रिंग फोर्स तो ओवरऑल एक्सेलरेशन तो नीचे ही है ब्लॉक का तो स्पीड बढ़ते ही जा रहा है टिल दे बिकम इक्वल दैट इज व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो या मैक्सिमा कैलकुलस से भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन जीरो सो एक्सेलरेशन जीरो मतलब द कंप्रेशन कंप्रेशन लेट्स से एक्स नॉट अ जो ऊपर फोर्स लगेगा सो पार्ट में कैसे दिखेगा ये मेरा लेंथ है नॉट नॉट पे और कंप्रेस होगा से, करेक्ट तो ये मेरा हाइट हो कितना दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ठीक है एंड थर्ड पार्ट फाइनली फाइंड द मैक्सिमम स्पीड तो जब वो वेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट तब स्पीड निकालना वर्कमी कैन अगेन कैलकुलेट वर्क एन थी डायरेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन तो अभी वर्क डन कितना होगा ग्रेविटी का एच प्लस एम जी इन टू एच प्लस एक्स नॉट वर्क डन बा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर शुड बीनेटिक एनर्जी यहां पर स्पीड वी बोलते हैं कैन गेट वी आई आर नॉट सॉल्विंग बट वो इक्वेशन तो uh, सिंपल है लिखना ठीक है वंस अगेन ऑनेस्टली एस एच एम में वील सी बेटर मेथड बट वी स्टिल है टूडे आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन द फाउंडेशन ऑफ पूरे मैकेनिक्स का फाउंडेशन यहां पर राइटर इन दिस चैप्टर सो आई होप यू अंडरस्टूड And uh, that's it for today. I'll see you again, and I'll see you at the top. Good night.